तो गाइस 2014 में Xiaomi ने अपना पहला Redmi Note सीरीज के अंदर एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च किया था जिसका जो नाम था वो Redmi का Note 4G था। तो गाइस इस स्मार्टफोन की सबसे खास बात ये थी कि ये जो स्मार्टफोन था वो 10,000 के नीचे आता था जिसमें आपको 4G का सपोर्ट देखने के लिए मिलता था। शायद इसलिए जो ये स्मार्टफोन था वो इतना ज़्यादा सेल हुआ था इंडिया में। तो गाइस इसके साथ ही जो Xiaomi की Note सीरीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है इंडिया में। तो अब Xiaomi अपनी न्यू सीरीज को लेकर आने वाला है इंडिया में जो 12 मार्च को इंडिया में लॉन्च की जाएगी। तो गाइस अब हम बात करें स्पेसिफिकेशन की, तो गाइस जैसा कि आप इस टीजर इमेजेस में देख सकते हो, गाइस ये जो सीरीज होगी वो आपको Amazon एक्सक्लूसिव देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस Amazon पर Xiaomi ने इसका टीजर शेयर किया है जिसमें पता चल रहा है कि इस स्मार्टफोन में आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलेगी वो काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी, चाहे इसकी स्पेसिफिकेशन हो, चाहे इसका हार्डवेयर हो, चाहे इसकी बैटरी हो, या चाहे आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन हो। तो आपको सभी जो फीचर्स मिलेंगे वो काफी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे Redmi की Note 9 सीरीज से। तो गाइस जब Redmi की Note 9 सीरीज इंडिया में लॉन्च की जाएगी तो उसके साथ आपको एक और स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेगा जिसका जो नाम होगा वो Redmi का 9 होगा। तो गाइस जो Redmi का 9 होगा उसके साथ ही आपको Redmi का Note 9 और Note 9 Pro देखने के लिए मिलेंगे। तो कुल मिलाकर आपको 3 स्मार्टफोन देखने के लिए मिल सकते हैं इंडिया में। तो गाइस रही बात तीनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो Redmi का जो 9 होगा उसमें आपको MediaTek का G70 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो रिसेंटली आपको Realme के C3 में देखने के लिए मिला था। और जो Redmi का Note 9 होगा उसमें आपको बताया जा रहा है कि Snapdragon का 720G वाला प्रोसेसर मिल सकता है। और जो Redmi का Note 9 Pro होगा उसमें आपको MediaTek का Dimensity 800 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो 5G के साथ आएगा। तो गाइस ये जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये कंप्लीट कर सकता है Snapdragon के 730G से। तो आपको जो परफॉर्मेंस लेवल होगा वो काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा MediaTek के Dimensity 800 में। तो गाइस लीक्स ऐसे भी आ रहे हैं कि जो Redmi का Note 9 Pro होगा उसमें आपको Snapdragon का 720G वाला प्रोसेसर भी देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर ऐसा हुआ तो आपको जो Redmi का Note 9 होगा उसमें आपको MediaTek का G90 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो आपको Realme के 6 में मिलेगा। और जो Redmi का Note 9 Pro होगा उसमें आपको Snapdragon का 720G वाला प्रोसेसर मिल सकता है। बट गाइज मुझे ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि जो Redmi के Note 9 Pro होगा उसमें आपको MediaTek का 800 वाला प्रोसेसर ही देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जो Redmi की Note सीरीज थी वो सबसे पहली सीरीज ऐसी थी जिसमें आपको 10,000 के अंदर 4G स्मार्टफोन देखने के लिए मिला था Xiaomi की तरफ से। तो गाइज ट्रेंड को दोबारा फॉलो करते हुए Xiaomi अपना 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च कर सकती है जो आपको 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में देखने के लिए मिल सकता है जिसमें आपको MediaTek का Dimensity 800 वाला प्रोसेसर मिल सकता है। तो गाइज आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कौन सा प्रोसेसर चाहिए Redmi के Note 9 Pro में। उसके बाद हम बात करें कैमरास की, तो Redmi का जो 9 होगा उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल सकता है और जो सेकंड कैमरा होगा वो वाइड एंगल का होगा और एक आपको डेप्थ सेंसर मिल सकता है। आपको कुल मिलाकर 3 कैमरास मिल सकते हैं और सामने वाली साइड आपको वाटरड्रॉप नोच वाली डिस्प्ले मिलेगी जिसमें आपको जो फ्रंट कैमरा मिलेगा वो 5 मेगापिक्सल या 8 मेगापिक्सल का मिल सकता है। और जो Redmi का Note 9 Pro होगा उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा, उसके साथ ही आपको एक वाइड एंगल लेंस होगा, एक डेप्थ होगा और एक मैक्रो शॉट्स होगा। और रही बात Redmi के Note 9 Pro की, तो उसमें भी आपको 64 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलेगा जिसमें आपको Sony का IMX686 वाला सेंसर दिया जाएगा, उसके साथ ही आपको एक वाइड एंगल लेंस मिलेगा और एक टेलीफोटो लेंस मिलेगा और एक मैक्रो शॉट्स क्लिक करने के लिए सेंसर मिलेगा। रही बात दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट डिजाइन की, तो Redmi का जो Note 9 होगा उसमें आपको IPS LCD पैनल वाली डिस्प्ले मिलेगी जो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आएगी। और जो Redmi का Note 9 Pro होगा उसमें आपको IPS LCD पैनल मिल सकता है या AMOLED भी पैनल मिल सकता है। तो बस देखते हैं कि Xiaomi Redmi Note 9 Pro में AMOLED पैनल देता है या कोई और पैनल देता है, बट मुझे लगता है आपको AMOLED पैनल देखने के लिए मिल सकता है। आपको दोनों स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट मिलेंगे वो 90Hz रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जो डिस्प्ले होगी वो आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी और दोनों स्मार्टफोन में आपको सिंगल पंच होल वाली डिस्प्ले मिल सकती है। पीछे वाली साइड आपको स्क्वायर शेप में कैमरा शेप देखने के लिए मिलेगी दोनों स्मार्टफोन में। अभी ये नहीं पता कि पोजीशन कहां पर होगी, सेंटर में होगी या आपको लेफ्ट वाली साइड होगी, बट मुझे लगता है जो Redmi का Note 9 होगा उसमें आपको लेफ्ट वाली साइड पोजीशन मिलेगी और जो Redmi का Note 9 Pro होगा उसमें आपको सेंटर में पोजीशन देखने के लिए मिलेगी कैमरा के सेटअप की। रही बात इसके सॉफ्टवेयर की, तीनों स्मार्टफोन में आपको Android 10 का सपोर्ट मिलेगा जो बेस्ड होगा MIUI 11 पर। और रही बात इसकी बैटरी की, तो बैटरी आपको इंप्रूव देखने के लिए मिलेगी। बैटरी को लेकर अभी कोई लीक्स नहीं आए हैं बट टीजर में इन्होंने कहा है कि आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, तो मेरे ख्याल से आपको 27 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है दोनों स्मार्टफोन में। और रही बात Redmi के 9 की, तो वहां पर आपको 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है, शायद आपको 10 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाए। अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सी चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है Redmi के 9 में। रही बात इसकी प्राइस की, तो Redmi का जो 9 होगा उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस होगी वो आपको 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में होगी और जो Redmi का Note 9 होगा उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस होगी वो आपको 11,000 से लेकर 13,000 के बीच में देखने के लिए मिल सकती है। और
जो रेडमी का नोट 9 प्रो होगा उसकी प्राइस आपको 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में देखने के लिए मिल सकती है। तो गैस ये था कुछ कंप्लीट पैकेज रेडमी के 9 का, रेडमी के नोट 9 का और रेडमी के नोट 9 प्रो का। तो गैस नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो रेडमी की नोट 9 सीरीज से। तो गैस मुझे लगता है आपको यही स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल सकती है रेडमी की नोट 9 सीरीज में। तो गैस 12 मार्च को ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। तो गैस देखते हैं कि Xiaomi किस प्राइस के साथ ये स्मार्टफोन्स को लॉन्च करता है। तो गैस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ लगे बेल को दबा दीजिए ताकि आप आने वाले अपडेट्स को मिस ना करें। थैंक यू।